टी20 वर्ल्ड कप 2024 की 47वें मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से हरा दिया। यह मैच सुपर आज का ऐसा मैच था जिसमें जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल का टिकट लगभग कंफर्म कर लिया है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग और फिर बॉलिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को हरा दिया। भारतीय टीम भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या ने कमाल की पारी खेलते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा था और फिर बॉलिंग में कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके थे। बता दें कि मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था, यह शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 196 में 5 रन बोर्ड पर लगाए थे, फिर लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश 20 ओवर में 146 पे 8 रन ही बना सकी। मुकाबले में लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम उस लय में नहीं दिखाई दी जिससे लगे कि वह जीत हासिल कर लेंगे। बांग्लादेश के लिए कप्तान नमजुल हुसैन शांतो ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 40 रन बनाए। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को ठीक ठाक शुरुआत की, लेकिन ओपनिंग कर उतरे लिटन दास और तजीद हसन ने पहले विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की। इस पनपती हुई साझेदारी को हार्दिक पांड्या ने 5वें ओवर की 3री गेंद पर लिटन दास के विकेट से तोड़ा। दास ने 10 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 13 रन बनाए। फिर टीम ने दूसरा विकेट 10वें ओवर की 4थी गेंद पर तंजीद हसन के रूप में खोया, जिन्हें कुलदीप यादव ने चलता किया। तंजीद ने 31 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 29 रन बनाए। फिर कुलदीप यादव ने 12वें ओवर की पहली गेंद पर तौहीद रिदोय का विकेट लिया। तौहीद 6 गेंदों में सिर्फ 4 रन बना सके। इसके बाद 14वें ओवर की 4थी गेंद पर शाबिक अल हसन ने कुलदीप के पलेवियन वापस भेज दिया। साकिब ने 7 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 11 रन बनाए। फिर 16वें ओवर की 3री गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने अच्छी पारी खेलते रहे। बांग्लादेशी कप्तान नजबुल हुसैन शंतो ने आउट किया। कप्तान शंतो ने 32 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 40 रन स्कोर किए। आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर जाकिर अली का विकेट गवा दिया। जाकिर 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बना सके। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने 19वें ओवर की 3री गेंद पर रिशद हुसैन को वापस पलेवियन भेज दिया। रिशद ने तेज पारी खेलते हुए 10 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 24 रन बनाए। फिर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह ने महमूदुल्लाह को आउट कर दिया, जिन्होंने 15 गेंदों में 1 चौके की मदद से 13 रन बनाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। इस दौरान उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्चे, बाकी अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को 2-2 सफलताएं मिली। वहीं 1 विकेट हार्दिक पांड्या ने अपने नाम किया। इस तरह के शानदार प्रदर्शन कर भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल की और सेमीफाइनल की लक्ष्य की तरफ बढ़ गया।